दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। रेलवे विभाग की ओर से संबंधित दिक्कतों और समस्याओं के संबंध में चर्चा करने की दृष्टि से गुरुवार 21 अक्टूबर को नागपुर में विस्तृत बैठक का आयोजन किया गया था, जिसके तहत आयोजित बैठक में सांसद सुनील मेंढे ने भंडारा रोड व गोंदिया के रेलवे स्टेशनों के संबंध में विविध मुद्दों को रखकर आने वाली कठिनाइयों को सुलझाने की मांग बैठक में उपस्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों से की। इस दौरान बैठक में रेलवे स्थानक में सुविधाएं उपलब्ध करवाने से लेकर अतिक्रमण तक सभी विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस समय बैठक में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील मेंढे ने अपने विषय उपस्थित किए, जहां मिडल फुट ओवर ब्रिज गुड्स शेड तक बढ़ाने के संबंध में चर्चा की गई। वही सुविधाजनक हो इसलिए गोंदिया रेलवे स्थानक पर कायम रूप से एक्सीलेटर की व्यवस्था करने की सूचना सांसद मेंढे ने अधिकारियों को दी। वही महिला पुरुषों के विषय में टूटने की कगार पर आए फर्नीचर की मरम्मत करना व इस कारण से बंद किया हुआ कुड़वा ओवर ब्रिज शुरू करने की दृष्टि से निर्णय लेने की मांग भी इस समय की गई, तथा स्टेशन परिसर के दोनों बाजू एटीएम की व्यवस्था करना, गोंदिया रेलवे स्थानक के उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार को विकसित कर उस जगह पर वाहनतल और टिकट बुकिंग की व्यवस्था करना, दिव्यांगता पास उपलब्ध कराने की दृष्टि से विशेष शिविर रेलवे स्थानक परिसर में लेना, रेलवे स्थानक परिसर में 20 खाटों का शयन कक्ष स्थापित करना और पूरी से लोकमान्य तिलक मुंबई इस गाड़ी को गोंदिया रेलवे स्थानक पर स्टॉपेज देने का मुद्दा भी सांसद मेंढे ने उठाया। समय आयोजित बैठक में सभापति के तौर पर मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद संपतिया उके, राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक आलोक कुमार, विभागीय रेल प्रबंधक मनिंदर उत्पल तथा रेलवे के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।